तो नमस्कार दोस्तों, आज के जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ, ये हमारा जो डेट मोबाइल फोन के ऊपर जो हमारा सीरीज चल रहा है, ये हमारा आगे का टॉपिक है। तो आज दोस्तों जो हम लोग सीखने वाले हैं कि डेट मोबाइल फोन को, डेट फोन को रिपेयर कैसे करें। कोई भी डेड मोबाइल फोन आता है तो डेड मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर करेंगे, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको एक एक करके तरीका सिखा रहा हूँ। हमने आपको इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि डेड मोबाइल फोन को रिपेयर करने के लिए मोर देन 50 कॉन्सेप्ट होते हैं। 50 मतलब 50 से ज्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं। ये सर कॉन्सेप्ट मैं वो आपको बता रहा हूँ जो अपने लाइफ में मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने अपने लाइफ में इतने सारे मोबाइल फोन ठीक किए हुए हैं, या कई सारे अलग अलग जो तरीके बने वो उन सारे तरीकों से डेड मोबाइल फोन को ठीक किया जाता है। तो वो सारे तरीके में से मैं आपको कुछ कुछ चीजें हैं मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जो हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं, मोबाइल फोन की रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, तो वो लोग इन वीडियो के माध्यम से काफी चीज सीख चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हमारे पास आज एक लोग ऐसे लोग हैं जो फोन किया था, जो ऑलरेडी मतलब वो मोबाइल फोन की कहीं एक दूसरी दुकान पे सीखने के लिए गए थे। कह रहे थे कि सर मुझे साल भर हो गया वहां पर सीखते सीखते, लेकिन फिर भी मैं अच्छे तरीके से नहीं सीख पाया, फिर मैं निराश होकर के घर वापस आ गया था। और मैं आपकी वीडियो के माध्यम से काफी कुछ मुझे सीखने को मिला, मैंने फिर से अपनी दुकान ओपन करी और मैं अच्छा रिपेयरिंग का काम करता हूँ, जिसमें तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो मेरे साथ में आ रही है वो मैं सर आपके साथ में बाद में सीखने के लिए आऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं वीडियो के माध्यम से काफी चीजें सीख चुका हूँ। ऐसा सर वीडियो मैं उन स्टूडेंट के लिए देता हूँ जो लोग ऑलरेडी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं, लेकिन अच्छी तरीके से मोबाइल फोन रिपेयर नहीं कर पाते, या उनको मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता है। तो जब सर कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता है, तो हम लोग उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो लोग सीख करके कुछ अच्छा काम कर सके। और अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग के लिए आता है, कोई स्टूडेंट सीखना चाहता है, या आप खुद अगर पूरा कंप्लीट ट्रेन होना चाहते हैं, पूरा प्रैक्टिकली लेवल से अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो फिर सर आप ट्रेनिंग सेंटर को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर के आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स को सीख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। पूरा कंप्लीट हार्डवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर है, पूरा MMC प्रोग्रामिंग है, CPU तक की आपकी कंप्लीट आपकी रिपेयरिंग आपको सिखाई जाती है, ताकि मोबाइल फोन में आप हर तरह की समस्याओं को अलग अलग तरीके से जो आ रही है उनको आप बड़ा इजीली तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और हम अपने टॉपिक को कवर करते हैं। आज दोस्तों जो हमारा जो टॉपिक होने वाला, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दिया था कि ओके कंडीशन में फोन आता है तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे। इससे उससे पहले से पहली वीडियो में मैंने आपको यह दिया था कि हमारे पास मोबाइल फोन को, डेड फोन को कैसे चेक किया जाता है, डेड फोन को चेक करने का तरीका क्या होता है, डेड मोबाइल फोन को चेक करने पर बैटरी में, कनेक्टर में चेक करने पर क्या क्या कंडीशन जनरेट होती हैं, और उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग मोबाइल फोन को रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों ये सारी अलग अलग वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपको पहले यही वीडियो मिला है तो दोस्त आप परेशान ना हो, इससे संबंधित आगे पीछे और भी वीडियो पड़ी हैं, उन वीडियो को देखें, उन वीडियो के माध्यम से आप कभी काफी कुछ सीखें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। चलिए चलते अपने टॉपिक ऊपर। आज हमारा टॉपिक होने वाला है, सेकेंड टॉपिक हमारा होने वाला है कि ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन का मतलब होता है, यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में चाहे एंड्रॉयड फोन हो या कीपैड मोबाइल फोन हो, यदि उस मोबाइल फोन के अंदर बैटरी कनेक्टर के प्लस माइनस पे जब आप चेक करते हो, चेक करने पर दोनों तरफ से मल्टीमीटर से कोई रीडिंग नहीं देता, जब आप मल्टीमीटर से प्लस माइनस पे चेक करते हो बैटरी कनेक्टर के पॉइंटों में, बैटरी कनेक्टर पॉइंट में चेक करते हो, तो यहाँ पर चेक करने पर, दोनों पॉइंट पर चेक करने पर कोई रीडिंग नहीं देता, ना तो इधर से रीडिंग आती है दोस्त, ना तो उधर से रीडिंग आती है। अगर हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में बैटरी कनेक्टर में जब आप चेक करोगे, चेक करने पर प्लस माइनस में दोनों पॉइंटों में कोई रीडिंग नहीं देता। अगर दोनों पॉइंटों में कोई रीडिंग नहीं देता तो इसका मतलब होता है ये हमारे मोबाइल फोन की ओपन कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? ओपन कंडीशन है। ओपन कंडीशन का मतलब होता है हमारे मोबाइल फोन में बैटरी कनेक्टर के प्लस माइनस सप्लाई लाइन क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। प्लस माइनस सप्लाई लाइन खराब होने से हमारा मोबाइल फोन चालू नहीं हो रहा है और हमारा मोबाइल फोन डेड हो गया है, क्योंकि प्लस माइनस की लाइनें क्या हो गई हैं, ब्रेक हो गई हैं। ऐसा तब आता है कि कई बार फोन गिर जाता है, या अंदर जो सप्लाई ट्रैक ब्रेक हो जाता है, जल जाता है, खराब हो जाता है,
या गिरने की वजह से बैटरी कनेक्टर लूज हो जाता है, ड्राई सोल्ड हो जाता है, सप्लाई ट्रैक प्लस माइनस के ब्रेक हो जाते हैं, जिस कारण से हमारा मोबाइल फोन ऑन होना बंद हो जाता है। जब मोबाइल फोन ऑन होना बंद हो जाएगा तो वो हमारे डेड की कंडीशन में आता है कि कस्टमर आपके पास लेकर के आता है कि भैया देखो मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन चालू कर रहे हैं तो चालू नहीं हो रहा है और इसको आप ठीक करिए। कोई भी डेड फोन को बनाने का 200, 300, 500, 600 फोन के डिपेंड करता है, कंडीशन के ऊपर देख करके उसको रिपेयर किया जाता है। अच्छा, जब आप ऐसी कंडीशन में मोबाइल फोन आएगा, दोनों तरफ से कोई वैल्यू नहीं देगा, तो ऐसे मोबाइल फोन मोस्टली 90% मोबाइल फोन चालू हो जाते हैं। आपके सामने कोई फोन आया, आपने देखा होगा, जनरल सी बात होते हैं, आपका फोन खराब हुआ होगा या आप कहीं भी रिपेयर कराने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली बार मल्टीमीटर लेता है और मल्टीमीटर से वो बैटरी कनेक्टर में टेस्टिंग मारता है। जैसे बैटरी कनेक्टर में टेस्टिंग करता है और टेस्टिंग करने से वो समझ जाता है कि हमको इसमें से क्या रिपेयरिंग करना है, क्या काम करना है, ऐसा वो महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहली बार बैटरी कनेक्टर से यही चेक करता है कि आपके मोबाइल फोन की प्लस माइनस की जो सप्लाई है मोबाइल फोन के अंदर जा रही है वो लाइनें सही है कि नहीं सही है। क्योंकि भाई जब सप्लाई अंदर जाएगी तभी तो मोबाइल फोन चालू होगा, जब सप्लाई जाएगी नहीं तो मोबाइल फोन कैसे चालू होगा। तो आप बैटरी कनेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब देखिए मैं आपको इसका थोड़ा सा मैं आपको सर्किट समझाता हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे। मैं आपको दोनों तरह के सर्किट आपको समझाता हूँ, कीपैड मोबाइल फोन का भी समझाता हूँ, एंड्रॉयड मोबाइल फोन का भी समझाता हूँ कि एंड्रॉयड मोबाइल फोन में आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे और अगर कीपैड मोबाइल फोन में आएगा तो कीपैड मोबाइल फोन में कैसे करेंगे। हम दोनों तरीके के सर्किट को हम लोग देखेंगे, एंड्रॉयड को भी देखेंगे और कीपैड को भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले मैं कीपैड की बात करता हूं। कीपैड मोबाइल फोन में जो आपका बैटरी कनेक्टर होता है, इस बैटरी कनेक्टर में ऐसे तीन पॉइंट होते हैं, प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक पॉइंट जो तुम्हारा होता है ये बीएसआई होता है। बैटरी कनेक्टर का एक पॉइंट जो माइनस होता है, ये माइनस वाला पॉइंट क्या होता है, तुम्हारा ग्राउंड होता है। उसके बाद जो ये प्लस सप्लाई होती है, प्लस सप्लाई आगे जाती है, प्लस सप्लाई में सबसे पहले जो टिप्स बना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वी बैट टिप्स, वी बैट टिप्स के बाद फिर इसके लाइन में एक डायोड भी होते हैं, कैपेसिटर भी पाए जाते हैं, फिर ऐसे एक LVR पाया जाता है R22। उसके बाद सप्लाई हमारी आगे चली जाती है, पावर IC या CPU के अंदर कह सकते हैं, क्योंकि कीपैड फोन में CPU पावर दोनों एक ही होता है, चार्जिंग पे भी जाती है, ऐसे सप्लाई हमारी चली जाती है। उसके बाद जो BSI पिन होती है, इस BSI पिन के लाइन में, इसके लाइन में भी आपका कैपेसिटर लगा होता है, इसके लाइन में एक रेजिस्टेंस लगा होता है, इस रेजिस्टेंस के माध्यम से ये आपकी सप्लाई चली जाती है IC के अंदर, CPU के अंदर, पावर IC के अंदर, क्योंकि कीपैड फोन में CPU पावर ही होता है। तो इस तरीके से आपका कनेक्टिविटी हो जाती है। अब आपके पास कोई भी डेड मोबाइल फोन आया, अब डेड मोबाइल फोन में आपने जब बैटरी कनेक्टर में चेक किया, बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से कोई वैल्यू नहीं बता रहा है, जब दोनों तरफ से कोई वैल्यू नहीं बता रहा तो आप समझ जाइए कि इसका प्लस माइनस का लाइन खराब हो चुका है। अब प्लस माइनस का लाइन का मतलब तो प्लस का लाइन खराब है या माइनस का खराब है। अब मल्टीमीटर को आप बी पॉइंट पर सेट करेंगे, बी पॉइंट पर सेट करने के बाद रेड पिन को ग्राउंड पर रखेंगे, जैसे रेड पिन को ग्राउंड पर रखेंगे तो यहाँ पर चेक करेंगे, तो जब आप माइनस वाली पिन में चेक करेंगे तो माइनस वाली पिन में चेक करने पर दोस्त आपको बीप मिलेगा, लेकिन जब प्लस वाली पिन में चेक करेंगे तो प्लस वाली पिन में चेक करने पर आपको क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। माइनस वाली पिन में बीप मिलता है तो सही है, अगर माइनस वाली पिन पर बीप नहीं मिलता, प्लस पे जो वैल्यू मिलेगा समथिंग 300 से लेकर 600 मिलेगा। ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा, GR वैल्यू, GR वैल्यू का मतलब होता है ग्राउंड रीडिंग। आप रेड पिन को ग्राउंड पे रखेंगे, ब्लैक से चेक करेंगे तो जब माइनस में चेक करेंगे तो बीप आएगी, तो बीप आने से आपको ये पता चलेगा कि तुम्हारा माइनस का ट्रैक सही है। अगर माइनस पे बीप नहीं आता तो दोस्त आप माइनस से उठा करके ग्राउंड पे जंपर मार दीजिए और आपका कनेक्शन हो जाएगा, फिर आप प्लस माइनस में चेक करेंगे तो रीडिंग आएगी और आपका मोबाइल फोन चालू हो जाएगा। उसके बाद जब प्लस वाले पॉइंट में चेक करेंगे तो प्लस वाले पॉइंट में चेक करने पर वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, 300 से लेकर के 600 वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पर वैल्यू आती है तो सही, अगर वैल्यू नहीं आती तो प्लस का लाइन भी ब्रेक हो गया है। जब प्लस का लाइन ब्रेक हो गया तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्लस में वैल्यू नहीं आती, प्लस का सप्लाई ब्रेक हो गया है, तो प्लस से उठा करके आप वी बैट टिप्स है, डायोड है, कैपेसिटर है, LVR है, इसमें से किसी भी एक पॉइंट पर 1 2 3 4
इनमें से किसी भी एक पॉइंट पर आप सप्लाई को जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो और आपका मोबाइल फोन की वी बैड की लाइन ओके हो जाएगी। जैसे वी बैड की लाइन ओके हो जाएगी तो आपका मोबाइल फोन चालू हो जाएगा। उसके बाद जब आप बीएसआई की लाइन होती है, बीएसआई की लाइन में चेक करेंगे तो इसमें चेक करने पर 300 से लेकर के समथिंग 1600 वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पर रीडिंग आती है तो ठीक है, अगर यहाँ पर रीडिंग नहीं आती तो इसका मतलब होता है हमारा इसका भी लाइन ब्रेक हो गया है। कुछ मोबाइल फोन ऐसे भी आते हैं जिसमें यहाँ पर बीप आती है, कुछ मोबाइल फोन ऐसे होते हैं जो यहाँ पर वैल्यू आती है। अगर बीप आती है तो भी आप उस चीज को चेक कर सकते हैं, और हो सकता है कि बीप आने का मतलब ऐसा भी होता है कि इसकी लाइन में शॉर्टिंग भी हो जाती है। अगर इसकी लाइन ब्रेक हो जाती है, मोस्टली सैमसंग के मोबाइल फोन में अगर बीएसआई की लाइन खराब हो जाती है तो आपका हैंडसेट ही नहीं ऑन होता। जितने भी गुरु 4 या छोटे मोबाइल फोन है या मोबाइल गुरु B310 वगैरह, इसकी अगर बीच की लाइन खराब हो जाती है तो प्रॉब्लम आती है। इसकी वजह से चार्जिंग के भी कई सारी प्रॉब्लम आने लगती है, वो मैं आपको आगे वीडियो में आपको मैंने बता रखा है, आप चाहें तो इससे पीछे वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये लाइन जब हमारी खराब हो जाएगी तो इस लाइन की वजह से भी हमारा हैंडसेट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो आप इसके लाइन में जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं आप उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब अच्छा, इस रेजिस्टेंस की खास बात होती है, इस रेजिस्टेंस की अपनी वैल्यू होती है। ये रेजिस्टेंस 2 किलो ओम का, 10 किलो ओम का, इस तरीके से वैल्यू में लगे होते हैं। जो भी इसकी वैल्यू होती है आप वैल्यू के हिसाब से रेजिस्टेंस को चेंज कर देंगे, और चेंज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले तो जंपर मार के देखते हैं, अगर नहीं होता तो फिर हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ता है और हमारा मोबाइल फोन ऑन हो जाता है। ऐसा रिपेयरिंग आप कीपैड मोबाइल फोन में करेंगे। कीपैड का मतलब होता है जो छोटा मोबाइल फोन आता है, जो सिंगल लेयर का बोर्ड आता है, या जो नॉर्मल कीपैड फोन आते हैं तुम्हारे आईटेल के हो गए, सैमसंग हो गए, नोकिया के हो गए, जितने मोबाइल फोन आते हैं उसमें आप इस तरीके से सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। अब यदि आपके पास स्मार्टफोन आता है और स्मार्टफोन में जब आप चेक करते हैं उसमें ओपन कंडीशन हो जाती है, तो मैं दोस्तों उसके बारे में भी बताता हूँ। इस पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यदि आपके पास स्मार्टफोन आता है तो स्मार्टफोन में जो बैटरी कनेक्टर पाया जाता है 4 पिन का होता है। 4 पिन में से 2 पिन आपकी प्लस होती हैं, 1 पिन आपकी आईडी होती है, 1 पिन आपके थर्मिस्टर होती है और 1 पिन आपकी ग्राउंड होती है। अब जब यहां पर आप चेक करेंगे तो ग्राउंड वाली पिन क्या होती है दोस्तों, माइनस होती है। ये जो पिन रेड कलर की जो मैंने आपको लाइन बना रखा है, ये तुम्हारी वी बैट की पिन है। इसमें से जब आप चेक करेंगे तो ऐसे इसमें भी मैं आपको सर्किट बता देता हूँ। वी बैट का पॉइंट होता है, वी बैट की सप्लाई आगे जाती है, वी बैट की सप्लाई की लाइन में एक डायोड लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, या आपके एक रजिस्टर भी लगे होते हैं 010, इस तरीके से रजिस्टर लगे होते हैं। उसके बाद सप्लाई सीधे चार्जिंग आईसी पर जाती है, किसी आईसी पर नहीं जाती एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन जो होता है वो सीधे उसकी कनेक्टिविटी होती है। अच्छा, कुछ ऐसे मीडिया टेक के मोबाइल फ़ोन होते हैं जिसमें से वी बैट की लाइन तुम्हारी पावर आईसी पे भी जाती है, तो वो लोग आप आगे डिटेल में देखेंगे, सिमेटिक के माध्यम से मैंने बताया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको ओपन कंडीशन में मैंने आपको बताया कि वी बैट की लाइन जो है वो वी बैट की लाइन कैसे कनेक्टिविटी, ये आपका LVR होता है, लो वैल्यू रजिस्टर। उसके बाद ये आपकी पिन ग्राउंड हो जाती है। उसके बाद फिर आपकी जो पिन आती है, 2 पिन आपकी और बचती हैं, जिसमें से 1 पिन तुम्हारी जो होती है इसके लाइन में रेजिस्टेंस लगा होता है समथिंग 10 किलो ओम का, ये तुम्हारी पिन जो होती है आईडी की पिन होती है। इसी तरीके से फिर आपकी जो दूसरी पिन होती है ये तुम्हारी थर्मिस्टर की पिन होती है। थर्मिस्टर की जो पिन होती है जो टेम्परेचर को सेंस करती है, अब इन दोनों पिनों को जो कनेक्टिविटी होती है वो तुम्हारी पावर आईसी से जाती है। तो अगर आप यहां पर जब चेक करते हैं तो एंड्रॉयड मोबाइल फोन में यदि प्रॉब्लम आती है कि आपका मोबाइल फोन ऑन नहीं हो रहा है, अगर आप उस मोबाइल फोन को चेक कर रहे हैं तो आप बैटरी कनेक्टर में चेक करेंगे। बैटरी कनेक्टर में कैसे चेक करेंगे, आप उसके प्लस माइनस में चेक करेंगे तो यहां पर वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी, 300 से लेकर 600 वैल्यू आएगी, दूसरी तरफ से चेक करेंगे तो 1 वैल्यू आएगी। जैसे आप ऐसा चेक करेंगे तो ओके कंडीशन है। अगर आप बैटरी कनेक्टर के प्लस माइनस में चेक करते हैं दोनों तरफ से कोई वैल्यू नहीं आती, इसका मतलब है आपके बैटरी कनेक्टर की प्लस माइनस की लाइन खराब हो गई। जैसे प्लस माइनस की लाइन खराब हो गई तो सप्लाई हमारी ब्रेक हो गई। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको कितने ट्रैक चेक करने पड़ेंगे, एक ट्रैक चेक करना पड़ेगा, दूसरा चेक करना पड़ेगा, तीसरा चेक करना पड़ेगा, चौथा ट्रैक तो हमारा ग्राउंड ही है। अब कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करेंगे। जैसे मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करेंगे तो बी पॉइंट पर सेट करने के बाद आप एक एक करके सारी पिनों को चेक करेंगे। जैसे सबसे पहला ट्रैक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वी बैट,
तो यहाँ पर चेक करेंगे ग्राउंड से लेकर के, तो 300 से लेकर के 600 जीआर वैल्यू आएगा। उसके बाद अगला ट्रैक जो होता है जिसको हम लोग आईडी बोलते हैं। अच्छा, इसमें कौन सा आईडी होता है, कौन सा थर्मिस्टर होता है, ये कई बार बैटरी कनेक्टर में लिखा होता है। अगर नहीं लिखा होता तो दोस्त परेशान होने की जरूरत नहीं, आप बैटरी का पत्ता खोलिए और उस पत्ते पे लिखा होता है, आप उस पत्ते के माध्यम से आप उसको मैच करके आप चेक कर सकते हैं। तो आईडी पे चेक करेंगे तो आईडी पे चेक करने पर 300 से लेकर के समथिंग 1200 तक जीआर वैल्यू बताता है। उसके बाद जो थर्मिस्टर जो होता है, थर्मिस्टर पे चेक करते हैं तो थर्मिस्टर में चेक करने पर 300 से लेकर के 1200 जीआर वैल्यू बताता है। उसके बाद जब आप ग्राउंड पे चेक करेंगे तो ग्राउंड पे चेक करने पर आपको बीप बताता है। तो इस तरीके से ऐसी रीडिंग आप यहाँ पर चेक करेंगे। जब आप ऐसी रीडिंग को चेक करते हैं तो रीडिंग चेक करने के बाद अगर आपको रीडिंग मिलती है तो ठीक है। अगर मान लिया तुम इसकी वी बैट की लाइन में चेक करते हो, यहाँ पर वैल्यू नहीं आती, तो इसका मतलब होता है वी बैट की सप्लाई ब्रेक हो चुकी है। क्या ब्रेक हो चुकी है? अगर तुम्हारा 010 फ्यूजिबल जो रजिस्टर, अगर ये खराब हो जाएगा तब भी लाइन ब्रेक हो जाएगी। अगर यहाँ पर डायोड कैपेसिटर जो लगे हैं, अगर इनमें ब्रेक हो जाएगा या लाइन खत्म हो जाएगी तो आपकी मोबाइल फोन चालू नहीं होगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन पर, आप इस मोबाइल फोन में से ये जो वी बैट प्लस की लाइन है, प्लस की लाइन से उठा करके आप इसके वी बैट टिप्स पर जम्पर मार सकते हैं, या तो डायोड पर जोड़ सकते हैं, कैपेसिटर पर जोड़ सकते हैं, या तो फिर यहाँ से उठा के आप इसको LVR पर जोड़ देंगे। तो अब आपके मोबाइल फोन में ये वी बैट की लाइन ओके हो जाएगी और आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। आईडी और थर्मिस्टर लाइन पर जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ पर आपको वैल्यू मिलता है तो वैल्यू मिलने का मतलब होता है हमारा लाइन सही है। अगर वैल्यू नहीं मिलता तो इसका मतलब होता है हमारा लाइन क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। तो ब्रेक होने पर हम लोग इसकी लाइन में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उन कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, चेक करते हैं। जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उन कंपोनेंट को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर ये ब्रेक हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आईडी की लाइन में कोई कैपेसिटर लगा है, डायोड लगा है, अगर वो शॉर्ट मार जाएगा तो उस कंडीशन पर भी आपका मोबाइल फोन चालू नहीं होगा या चालू होकर के बंद हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जाती है। तो हम लोग इसकी लाइनों को चेक करते हैं। तो आपके पास कोई भी डेड मोबाइल फोन आता है, डेड मोबाइल फोन में जब आप ओपन कंडीशन होती, ओपन का मतलब होता है जब आप बैटरी कनेक्टर में चेक करेंगे, बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से चेक करने पर कोई वैल्यू नहीं आता, दोनों तरफ से चेक करने पर कोई वैल्यू नहीं आता। जब दोनों तरफ से चेक करने पर कोई वैल्यू नहीं आता तो इसका मतलब होता है हमारे मोबाइल फोन का सप्लाई लाइन क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। जैसे सप्लाई लाइन ब्रेक हो गया है तो हमारा मोबाइल फोन चालू नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन पर दोस्तों हम लोग इस तरीके से ऐसे अलग अलग जो ट्रैक्स होते हैं उन ट्रैक को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके के मैंने आपको ट्रैक बताया, ये मैंने आपको स्मार्टफोन के बारे में बताया है और ये मैंने आपको कीपैड मोबाइल फोन के बारे में बताया। यदि बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरीके की ऐसी सिचुएशन जनरेट होती है और हमारा मोबाइल फोन चालू नहीं होता तो आप दोनों अलग अलग कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। इस तरीके से चेक करते हैं जो कीपैड फोन को चेक करते हैं, इस तरीके से जो चेक करते हैं वो हम लोग स्मार्टफोन को चेक करते हैं। इस तरीके से आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आएगा तो उस मोबाइल फोन को आप बड़ा इजीली तरीके से, आप उसको आसान तरीके से आप रेड मोबाइल फोन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आपका मोबाइल फोन ओपन कंडीशन में होगा, बैटरी कनेक्टर की सप्लाई लाइन ब्रेक हो जाएगी, सप्लाई लाइन खराब हो जाएगी, तो आपका मोबाइल फोन आपको ऐसे रिपेयर करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि आपके मोबाइल फोन में बैटरी कनेक्टर की सप्लाई खराब हो जाएगी तो आप उसको कैसे रिपेयर करेंगे, उसको रिपेयर करने का तरीका क्या हो जाए। तो आज की वीडियो में आपको ये सीखने को मिलेगा कि कोई भी डेड फोन आता है, उस डेड मोबाइल फोन में अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको आप कैसे रिपेयर करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया था मोर देन 50+ टॉपिक्स हैं जो हम आपको एक एक करके ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सीखें, जो सर मैं आपको सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ ये सर्किट डायग्राम को आप बनाएं, बनाने के बाद उसको अपने कॉपी में ड्रॉ करें, ड्रॉ करने के बाद मोबाइल फोन में चेक करें। जैसे आप मोबाइल फोन में चेक करेंगे तो आपको काफी हद तक मोबाइल फोन में प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिलेगा और आपका माइंड मेकअप बनेगा और मोबाइल फोन को कितना ईजी वे में रिपेयर किया जाता है वो रिपेयर करने का तरीका आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे के वीडियो में हम लोग डेड फोन के आगे की क्लास के बारे में सीखेंगे। ये हमारे डेड मोबाइल फोन के बारे में समथिंग 5वीं या 6वीं क्लास होगी। इसी तरीके से काफ़ी क्लास आपको मिलने वाली है और आप इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। और अगर इसी तरीके से अगर जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग बिल्कुल जीरो हैं, या वो लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, या पहले कहीं से सीख चुके हैं उनको अच्छे से सीखने को नहीं मिला, या कहीं वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान में अपना काम कर रहे हैं वो सीख रहे हैं,
तो सर मैं आपको एक बात यही गाइडेंस देना चाहूंगा, आप इस काम को एक बार प्रॉपर वे में सीखें, सही तरीके से सीखें, सही दिशा में सीखें। जब आप सही तरीके से सीखेंगे तो दोस्त मैं चैलेंज के साथ में कहता हूं, आप अच्छी तरीके से एक बेहतर मोबाइल फोन टेक्नीशियन बन करके अच्छी तरीके से अपना काम करेंगे। क्योंकि दोस्तों काम करना है, काम चलाऊ काम नहीं करना है। तो जो काम चलाऊ काम करने वाले हैं वो ऐसे देख करके अपना कुछ भी करते रहें, और जिनको अगर प्रॉपर वे में काम करना है, एक सही तरीके से काम करना है, क्योंकि एक बात तो देखो आप भी समझते हो कि कोई भी काम करने के लिए अपने मन से करो तो सही गलत का निर्णय कोई नहीं ले सकता। लेकिन जब आप कहीं किसी काम को एक परफॉर्मेंस के साथ में एक बेहतर तरीके से जब आप सीखते हो और फिर सीखने के बाद काम करते हो, तो आप 100% श्योर होते हो कि भाई ये ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका पूरा तरीका सीख रखा है, आपने उसका पूरा कॉन्सेप्ट सीख रखा है। तो ये सारी बातें मायने रखती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो पे। चैनल से जो लोगों ने नहीं सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जैसे भाई लोग हैं उनको और भी ऐसी वीडियो मिल सके, वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीख सकें। और अगर हम आपको सीखने सिखाने में इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको आधा आधा घंटे का लेक्चर बना करके दे रहे हैं, आपको वीडियो के माध्यम से सिखा रहे हैं, तो आप भी दोस्त हमारी मदद करिए, ताकि आप वीडियो को शेयर करिए, ताकि हम आपको और भी ऐसे लोग हैं उन सब लोगों को इस तरीके से जानकारी सिखा सकें। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।